हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि रेस्टोरेंट बंद है और हम लोग नहीं जा पा रहे हैं रेस्टोरेंट में, तो घर में ही कैसे रेस्टोरेंट लाइक आप डिनर एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने अपने डाइनिंग एरिया को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, होपफुली आपको भी पसंद आएगा। और अगर मेरे टिप्स आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए देखते हैं कि मैंने अपना डाइनिंग एरिया कैसे डेकोरेट किया है विद कैंडल्स, और कैंडल्स भी मैंने घर में ही बनाई हैं। तो वो कैंडल्स भी कैसे बनाई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये मेरा ड्राइंग रूम है गाइज, आप देख सकते हैं इट्स वेरी सिंपल। तो इसी को मुझे डेकोरेट करके थोड़ा मॉडर्न बनाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिडल में मैं लगा रही हूँ गणेश जी का ये स्टैचू वाला फोटो फ्रेम। और साइड्स में मैंने लगाए हैं ये डियर फेसेस वुडन के, ये मैं मसूरी से लेके आई थी और ये बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव पीसेस हैं। तो मिडल में मैंने ये टेबल रनर लगा दिया है, और मेरे पास एक ये वुडन ट्रे है जिसमें हैंड कटिंग की हुई है, तो ये मैं सेंटर में रखूँगी। और ये जो पॉट आप देख रहे हैं गाइज, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, मिरर वर्क है इसमें। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये कैसे बनाया है तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूंगी, तो आप उसमें से देख सकते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है, और आप इसे घर पर खुद ही बना सकते हैं। और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, और जब लाइट चलती हैं तो अच्छा इफ़ेक्ट आता है। तो अब हम बनाएंगे कैंडल्स, और वो भी इस कांच की बाउल से, और मैंने थोड़े से मार्बल्स लिए हैं। तो सबसे पहले आप बाउल के अंदर धीरे धीरे मार्बल्स डाल दीजिए, ये मार्बल्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे आराम से। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा फूड कलर, मेरे पास येलो कलर था तो मैंने येलो कलर डाला है, आप कोई भी रेड कलर या ब्लू जो भी आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं इसके अंदर छोटी सी कैंडल डाल दूँगी, ये भी आपको आराम से मार्केट में मिल जाती हैं, और ये फ्लोट करती हैं पानी के ऊपर, तो जब ये जलती हैं तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। तो मेरी कैंडल्स रेडी हैं गाइस। तो अब मेरे पास इस टेबल रनर के साथ के मैट्स भी हैं, तो उसको अब मैं यहाँ बिछा दूँगी। और ये नैपकिन्स हैं, इनको फोल्ड करके मैं प्लेट्स के ऊपर रखूँगी, तो दिस इज़ द वे हाउ टू फोल्ड देम। और ये मेरे पास टी लाइट कैंडल होल्डर है, इसमें यहाँ पे कैंडल रखते हैं और ऊपर पानी डालते हैं, थोड़ा सा अरोमा ऑयल डालते हैं, तो इसमें से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है लाइक दिस। और अब अपने प्लेट्स आप सर्व कर लीजिए। तो ये डाइनिंग टेबल तो लगभग मेरी रेडी है, अब मैं थोड़ा लाइटिंग का अरेंजमेंट करूँगी। तो मेरे पास ग्रीन कलर की लाइट्स हैं, तो मैं ग्रीन कलर की लाइट्स इसलिए लगाऊँगी, थोड़ा टेबल मैट से वो
मैच करेगी, टेबल रनर के साथ मैच करेगी, तो थोड़ा सा डेकोरेटिव वे में, क्योंकि जब हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे तो सिर्फ ये ग्रीन लाइट्स और कैंडल ही ऑन होंगी और इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मेरी लाइट्स अब लग चुकी हैं। सो माई लाइट्स आर ऑन नाउ। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है। जितना ये वीडियो में समझ में नहीं आएगा, उतना रियल में अगर आप लगाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। विथ कैंडल्स इट लुक्स ऑसम। तो मेरी तो ये डाइनिंग टेबल रेडी है डिनर के लिए। होप गाइस कि आपको ये पसंद आए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं और ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।